नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरके चौरसिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्टिक्स का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2, 3 और पार्ट 4 अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप उस मूवमेंट को सीख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस मूवमेंट को किस तरह से करना है। यह मूवमेंट पार्ट 4th में जो मूवमेंट सिखाया गया है उससे मिलता जुलता मूवमेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्ट 4th एक बेसिक मूवमेंट था और यह एक एडवांस मूवमेंट है, जिसे हम अपने दोनों हाथ से करेंगे। दोस्तों, अगर आप पार्ट 4th के मूवमेंट को सीख चुके हैं तो इस मूवमेंट को आप आसानी से सीख सकते हैं। बस आपको इस मूवमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हम कोई भी मूवमेंट नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस मूवमेंट का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी से आप इस मूवमेंट को सीख जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से देखिए इस मूवमेंट को किस तरह से करना है, ताकि मूवमेंट सीखने में आपको कोई परेशानी ना हो। इस मूवमेंट को सीखते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, हमें किस पोजीशन में अपने बॉडी को टर्न करना है, और दूसरा, स्टिक्स को हम अपने हाथ के नीचे की तरफ से किस तरह से निकालना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, जिससे स्टिक्स फंसने ना पाए और इस मूवमेंट को हम आसानी से सीख पाएं। हमें इस मूवमेंट को धीरे धीरे फास्ट कर लेना है, क्योंकि मूवमेंट को फास्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, यह मूवमेंट बहुत ही शानदार मूवमेंट है। दोस्तों, इस मूवमेंट का हम कहीं भी डेमोंस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यह मूवमेंट देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इस मूवमेंट को आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।